नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच सूत्रों ने बताया है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को पार्टी लाइन के साथ रहने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के फैसले के साथ रहेगी। सूत्रों के मुताबिक राजे आज रात दिल्ली पहुंच सकती है। आलाकमान से बातचीत के लिए उन्हें बुलाया गया है। दरअसल ऐसी चर्चा है कि बीजेपी राज्य में इस बार नए चेहरे को मौका दे सकती है। 3 दिसंबर को आए नतीजे के एक दिन बाद ही दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे ने 25 विधायकों के साथ मुलाकात की। इसे राज्य के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। इसी बीच बुधवार 6 दिसंबर को राजस्थान के राजसमंद की सांसद दिया कुमारी, जयपुर के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर और राज्यसभा सदस्य किरोड़लाल मीना सहित जो है संसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ भी जल्द अपने पद से इस्तीफा देंगे। बीजेपी ने राजस्थान के 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया था। इनमें से दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरोड़लाल मीणा और बालकनाथ ने जीत दर्ज की। इस्तीफे के बाद दिया कुमारी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा से मुलाकात कर विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की प्रचंड विजय की शुभकामनाएं प्रेषित की। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राजस्थान के नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में अटकलें जारी है। शीर्ष नेतृत्व किसी एक निर्वर्तमान सांसद को यह जिम्मेदारी सौंप सकता है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं की है और पार्टी ने कांग्रेस को हराकर बड़ी जीत हासिल की। पार्टी ने 41.69% वोटों के साथ 199 सीटों में से 115 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस 69 सीटों तक ही रह गई। पार्टी को 39.53% वोट मिले। वहीं भारत आदिवासी पार्टी ने 3, बीएसपी ने 2 और आरएलडी ने 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 1 और अन्य ने 8 सीटें जीती। बता दें कि जिस तरीके से अब राजस्थान में लगातार सियासत गर्माती जा रही है और सस्पेंस बरकरार है कि आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन आवाज।